कहावत है कि बच्चों का दिल अपने दादा दादी में बसता है। कुछ ऐसा ही वाकया झांसी जिले के बरुआ सागर में घटित हो गया। अपने दादा दादी से मिलने की याद में मासूम बच्चियों ने घर से भागने का फैसला ले लिया। अचानक गायब हुई बच्चियों की सूचना से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें झांसी जिले के बरुआ सागर की है, जहां चेरगांव के मूल निवासी रामकुमार कुशवाहा अपने परिवार के साथ बरुआ सागर के इंदीवर नगर में एक किराए के मकान में रहते हैं। वो अदरक मंडी में मजदूरी कर अपना परिवार चलाते हैं। बुधवार की शाम पुलिस को सूचना देते हुए बताया, उनकी दो बेटियां महक झील घर के बाहर अचानक खेलते हुए गायब हो गईं। अचानक एक साथ दो बच्चियों के गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बिना समय गवाए सहायक थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया ने एएसपी अंजलि विश्वकर्मा को सूचित करते हुए बच्चियों की तलाश आरंभ कर दी। सूचना जिले के आला पुलिस अधिकारियों को मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह, सीओ टहरौली अतुल कुमार अग्रहरी भी बच्चियों के सुराग की तलाश में बरुआ सागरा पहुंचे। एएसपी अंजलि विश्वकर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में फुटेज तलाश करना आरंभ किया और तलाश करते हुए पुलिस के आला अधिकारी किला मार्ग तक पहुंच गए। देर रात रास्ते में पड़ने वाले नगरपालिका स्कूल, जेपी नायक स्कूल सहित अन्य लोगों के कैमरे में तलाश देखी। तभी झांसी के थाना नवाबाद से पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली कि दो अज्ञात बच्चियां भटकते हुए एलाइट चौराहे के पास मिली हैं। जब गायब बच्चियों और नवाबाद में बैठी बच्चियों की फोटो मिलाए गए तो दोनों बच्चियां महक और झील ही मिली। दोनों बच्चियों के सकुशल बरामद होने पर पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बच्चियों ने बताया कि वो अपने दादा दादी से मिलने माँ बाप को बिना बताए चिरगांव मिलने जा रही थी। मासूम सी बच्चियों ने बताया कि उनके दादा दादी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन पुलिस के तत्परता ने इन बच्चियों के साथ अनहोनी होने से बचा लिया, क्योंकि अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाती तो अनर्थ भी हो सकता था। गायब बच्चियों को सकुशल खोजने पर बच्चियों के परिजनों सहित अन्य ने पुलिस का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया है। राम कुमार कुशवाहा उर्फ भूरे जी, जो करीब 3 साल से बरुआ सागर कस्बे में किराए पर रह रहे थे और मंडी में काम कर रहे थे, इन्होंने करीब 9:45 बजे के लगभग बरुआ सागर पुलिस को ये सूचना दी कि इनकी दो बच्चियां, जो एक करीब 9 साल की है और एक करीब 5 साल की है, ये दोनों घर से निकली हैं करीब 4:30 बजे के लगभग और तब से घर वापस नहीं आई हैं, और ये ढूंढ कई जगह इन्होंने ढूंढा, इसके बाद भी नहीं मिली। तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तब से लगातार कई टीमें बना करके पूरा जो कस्बे में जो सीसीटीवी लगे हैं, जो भी आने जाने के रास्ते हैं, बाहर निकलने के रास्ते हैं, उसमें लगातार सीसीटीवी एएसपी और सीओ और अजमेर एसएसआई, इन लोगों के नेतृत्व में लगातार सीसीटीवी देखा जा रहा था। कई जगह लड़कियों को जाते हुए सीसीटीवी में ट्रेस भी किया गया। इसी बीच हम लोगों ने थाने, अन्य थानों पर भी जब पता कराना शुरू किया तो पता चला कि नवाबाद थाने से दो लड़कियां वन स्टॉप सेंटर पे बैठाई गई हैं। जब उनकी फ़ोटो मंगाई गई तो वो ट्रेस हुई कि नहीं, वही बच्चियां हैं जो यहां से गायब हुई हैं। अब उनको वन स्टॉप सेंटर से उनसे बातचीत करके उनके परिजनों को सबूत दिया जाएगा। बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण। शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।